स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड। मैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ वापस आई हूँ। ये कैपेसिटर और आरसी सर्किट का है। पहले लिख ले किस सर्किट का है, आरसी सर्किट का है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो पहले पढ़ेंगे द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट इन द गिवन सर्किट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो कैपेसिटर वाली लाइन है उसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो इस सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो इस सर्किट में दिया क्या हुआ है, पहले एक बैटरी है 10 वोल्ट की, फिर उसके बाद हमारे जो आप ये देखिए दो में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से दो में डिवाइड हो रहा है, वेट, तो यस यहाँ पे हमारे पास इसकी बैटरी है 10 वोल्ट की, और यहाँ से जो चार्ज है दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू। तो यहाँ से आपका 3 ओम का रेजिस्टर है, और ये कैपेसिटर को हम एक ऐसे ओपन वायर ले लेंगे, और ये 4.5 4.5, और ये है आपका 4.5 का, और ये भी 4.5, ये 3 का है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 1 ओम का। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये है 1 ओम का, ये देखिए 1 ओम। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, 4.5 4.5 को इकट्ठे बना लेंगे। तो यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा, और यहाँ 3 ओम कर दिया, और यहाँ 9 ओम कर दिया, और यहाँ ये, और यहाँ ये, और आपका यहाँ 1 ओम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ढूंढना क्या है, हमने इस पॉइंट, देखिए ध्यान से, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ढूंढना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमने, आप ये देखिए इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दिस पॉइंट। तो हमने बेसिकली 9 ओम के क्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा दें तो वो इसकी रीडिंग ही पता लगानी है ना, फिर उससे उसका चार्ज एंड ऑल सब कुछ जो भी करंट उन्होंने बताया हुआ है। फिर अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आती है। इस सर्किट को एक और बार रीड्रॉ करेंगे, ये 9, ये 1, और ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट की। तो अब इसमें करंट कितना है सर्किट में, आई हमारा हो जाएगा वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो 9 है और ये जो 1 है ये सीरीज में है, तो 10 10 1 एम्पेयर, यस। तो फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा हमारा, अब हमारे पास करंट आ गया इससे, अब इसके क्रॉस वोल्टेज भी निकालनी है। वोल्टेज के लिए आपको पता ही होगा कि अगर ये एक 9 ओम का है, ये 1 ओम का है, तो अगर इसके क्रॉस एक्स है वोल्टेज, इसके क्रॉस 9x होगी, या सिंपली आप निकाल सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल्स टू 9 इंटू करंट, ये तो 1 है, तो वोल्टेज कितनी होगी 9 वोल्ट, ठीक है। तो 9 वोल्ट वोल्टेज हो गई। अब हमने निकालना क्या है, द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। तो अब जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, तो वोल्टेज इज 9 वोल्ट और कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफेराड, यस 6 ही है ना, 6 माइक्रोफेराड। तो अब हमने उसका Q इज इक्वल्स टू सी वी के फार्मूला से सिंपल निकल जाएगा कि 6 × 9 μC 54 μC, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड इफ यू लाइक द सोल्यूशन देन प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।